हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस, विदाउट प्याज पनीर की सब्जी, जो आप गणपति बापा के लिए भोग लगा सकते हैं। और प्याज, बिगर प्याज की सब्जी आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप सच मानिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। बस इस तरीके से आप बनाइएगा। आप नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पनीर को मैंने कट कर लिया है, चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और एक चमचा कड़वा तेल डालेंगे। कड़वा तेल को हल्का गुनगुना करेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने जो मैंने आधी कटोरी से कम लिए हैं, चार टमाटर बगैर प्याज, प्याज नहीं पीसना है गैस, चार टमाटर इसमें डालेंगे। और विदाउट प्याज मैं रेसिपी बना रही हूँ गैस मटर पनीर की। और इस तरीके से गाइस आप बनाइए और बप्पा को भोग लगाइएगा, सच मानिए बप्पा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने ले लिया ग्रीन वैली, और ग्रीन वैली में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, फ्रीजर से निकाली है। तो इसको पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो इसमें रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो गाइस मूंगफली के दाने और टमाटर इसमें मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें काजू और शिमला मिर्च, हरी मिर्च भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च और काजू स्क्रब कर दिया है मैंने, तो आप जो घर में आपके पास अवेलेबल है उसी से आप बना सकते हैं और पप्पा के लिए भोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, अगर मूंगफली के दाने नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टमाटर ही पीस लीजिएगा। तो सिंपल सी सब्जी मैं बना रही हूँ और पप्पा के लिए भोग लगाऊंगी। तो गाइस इस तरीके से आप विदाउट प्याज की सब्जी आप बनाइएगा, तो सच मानिए ट्राई कीजिएगा एक बार ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप गाइस कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गाइस मैंने 1.5 चमचा समथिंग इसमें कड़वा तेल ऐड कर दिया है और कढ़ाई गर्म हो रही है, और जब अच्छे से कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तभी इसमें डालिएगा, नहीं तो इसमें तेल की झार आ जाती है तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बेकार लगने लगता है। और गैस मैंने लिया है 2 इलायची, खड़े मसाले थोड़े से मैं ले रही हूँ, 2 इलायची और 2 लौंग लिए हैं, दालचीनी और तेजपात के पत्ते और थोड़ा सा जीरा। तो ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक से क्या रहता है गाइस, इसकी झाड़ जो तेल की है वो चली जाती है। इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। जो मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई है वो इसमें डाल देंगे। इसमें गाइस टमाटर को बॉइल नहीं करना है और इसको चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस इसका टमाटर का जब कच्चापन खत्म हो जाने लगेगा इस तरीके से, तो इसमें अब डालूंगी मैं टर्मरिक पाउडर। ऑलरेडी मैंने नमक अभी डाल दिया था, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से थोड़ा कम, और मोटी लाल मिर्च आधा टीस्पून, महीन वाली गाइस नहीं डालनी है, मोटी वाली डालनी है, थोड़ी सी महीन वाली भी डाल देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, इसको चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसको चलाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी बढ़िया बन रही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं गाइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होगी आपकी। 1 टीस्पून मलाई,
मलाई से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है। थोड़ा सा पानी फिर ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे ग्रीन वैली, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गैस कम ज्यादा। अगर चावल से खाना है तो थोड़ा पतला बनाइएगा, अगर वैसे नॉर्मली रोटी से खाना है तो आप इसको गाढ़ा बना सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार है ये। अब इसमें डाल देंगे पनीर बारीक कटा हुआ। और एक थाली से ढक्कन डाल देंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो फ्रेंड, स्टार्ट हो चुका है, गैस को लो फ्लेम पर कर दिया था। इसको खोल के देखेंगे तो इस तरीके से गैस आप देख सकते हैं कि ये विदाउट प्याज की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्जी। सो फ्रेंड, इसको सर्व कर लेती हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप विदाउट प्याज सब्जी बना सकते हैं। आपको रेसिपी गाइस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये आप चाहें तो इसको चावल से खाइएगा, पुलाव से खाइएगा, या आप पूरी या रोटी से जो भी अवेलेबल हो आपके पास उससे आप खा सकते हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं मटर पनीर की चटपटी मसालेदार विदाउट प्याज सब्जी। सो गाइस, गणपति बप्पा को भोग लगाइएगा और प्रसाद पाइएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गणपति बप्पा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।